अरे सिर्फ एक सेंटीमीटर का फासला रहेगा. लोग तो कहते हैं कि इस हेलमेट से लाइफ की सेफ्टी बनी रहती है. अरे कहीं यही हेलमेट मेरे हार्ट अटैक का कारण ना बन जाए. और रैली जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? करना क्या है, तुम्हें कहीं और ड्रॉप कर दिया करूंगा. मैं कोर्स खत्म होने के बाद किसी बड़े शहर में चली जाऊंगी, अपने सपनों को पूरा करने. अरे बाबा तुम किसी भी शहर में जाओ, और जो तुम्हारा दिल है ना वो तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा. एंड बाय द वे तुम्हें अपना हर एक सपना पूरा करना चाहिए. तुम्हारे इस सपने के लिए तुम्हारी माँ ने कई नींदे बर्बाद की है. हाँ अनंत, मुझे जैसे ही जॉब मिल जाएगा ना मैं सबसे पहले मम्मी से कहूँगी कि वो अपनी जॉब छोड़ दे. अर्शना जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया है ना शायद किसी और की माँ ने कभी नहीं किया होगा. फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा करना, वो भी अकेले दम पर, छोटी बात नहीं है. भाई अय्या नरपत भाई छे आई बैठे. उन्होंने मुझे फोन किया था, कह रहे थे कि कागज में कुछ गड़बड़ है. देखिए मैडम कागज वाग का मुझे जमता नहीं है, वो सब नरपत भाई देखते हैं. मैं तो यहाँ बस रिकवरी का काम करता हूँ. उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे 5 लाख रुपए ले लूँ. क्या? पर अभी मैं वो पैसे नहीं लौटा सकती, मैंने तो सारे पैसे अपने पति के इलाज में खर्च कर दिए. कोई बात नहीं, पर आप इंटरेस्ट तो पे कर सकती है ना? हाँ हाँ वो मैं पे कर दूंगी, हर महीने. हर महीने नहीं मैडम, अभी. अभी आप अचानक से मुझसे ऐसे इंटरेस्ट कैसे मांग सकते हैं? और इंटरेस्ट की इतनी बड़ी रकम इतने कम टाइम में मैं कैसे इंतजाम करूंगी? तो फिर मुझे आपका घर नीलाम करना पड़ेगा. नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए. और वैसे भी उस एग्रीमेंट में ये का लिखा था कि आप अचानक से कभी भी इंटरेस्ट मांग सकते हैं. आपके डॉक्यूमेंट भी कहाँ ठीक थे मैडम, रिकवरी करना ही मेरा काम है मैडम, और रिकवरी तो मैं करके रहूंगा, ऐसे नहीं तो वैसे. अरे अब क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट तो मेरा तुझ में है, तू मेरा ये इंटरेस्ट पूरा कर दे और मैं तेरा वो इंटरेस्ट संभाल लूंगा. ऑपरेशन हुआ है वो घर नहीं पहुंचेगा, सीधा पहुंचेगा शमशान अगर उसने ये वीडियो देख लिया. अब फैसला तेरे हाथ में है, जो मैं कहूं चुपचाप से करती रहे, अगर नहीं तो अपने पति की चिता के लिए जो खर्चा हुआ उसके लिए एक और उधार ले ले, पर उसका इंटरेस्ट भी मैं ऐसे ही वसूलूंगा. प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मेरे पति को इसके बारे में कुछ मत बताना. कागज में तो तेरा घर गिर भी था, पर असली इंटरेस्ट तो तू बनेगी. अब देख अब मैं कैसे इंटरेस्ट वसूल करता हूँ. मैं यहाँ आनंद के साथ आई थी, जिसके पापा का ये फार्म हाउस है. उसके बाप का नहीं, हम सबके बाप का. एक्चुअली बाप का नहीं,
हम सबके बाप का घर है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ जानबूझकर लेकर आया। क्या बकवास है ये? कौन हो तुम और अनंत कहाँ है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, ये तुम डिटेल में जान जाओगे। तुम तो क्या, यहाँ की कई लड़कियां मुझे जानती हैं और औरतें भी। क्या बकवास है ये? विश्वास था तो नहीं मानेगी। ये देख। तुझ पे तो मेरी नजर कई सालों से थी, पर अफसोस शिकार तेरी माँ का हुआ। तेरी माँ ने तेरी एजुकेशन के लिए हमसे लोन जो लिया था, और बदले में हमने भी उसे एजुकेशन दे दी। अब तेरी बारी इस एग्जाम को पास करने की। तेरी माँ से तो हमने उस पैसे का काफी इंटरेस्ट वसूला, पर अब उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं। तू तो बहुत लकी निकली रहे, हमारे बॉस की तुझ में दिलचस्पी है, खास दिलचस्पी। भले केम चाले से बद्दू सत्ता तमरा शिवाची। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेताजी अमोघ मजेटिया जी। मने आ सामड़ी ने बहु खराब लगे हो कि खेडूत ना त्रण परिवारों एक साथे आत्महत्या कर दी थी। जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद था, हम इस पर शोक व्यक्त करते हैं। आप अमोघ मजेठिया है ना? अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना क्रेज है आजकल की बच्चियों में। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां इतनी पसंद है। तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल तो लॉकअप में रखा जाएगा अमोघ मजेठिया। ये चलो इसे। ए, इसको लेकर जा रहा है पता है ना? अब बस मुंह बंद, वरना अच्छा नहीं लगेगा कि भरे बाजार में नंगा करके लड़कियों से जूतियां पड़वाऊंगा। ये चलो इसे। थैंक्स आशा, तुम्हारी वजह से कई लोगों की जिंदगियां बची और कईयों की मौत को इंसाफ मिला। इन सब के बीच में मेरी माँ का नाम तो नहीं आएगा ना? नहीं। गुजरात पुलिस के रातों रात किए गए ऑपरेशन ने सारे लोगों को चौंका के रख दिया है। गुजरात पुलिस ने नेता अमोघ मजेठिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नेता अमोघ मजेठिया एक ऐसा गिरोह चला रहा था जो लोगों की जरूरतों का फायदा उठाकर उन्हें वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में धकेल रहा था। अमोघ मजेठिया को उनकी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। इन सब में अमोघ मजेठिया का काला पैसा लगा हुआ था। पुलिस ने अमोघ मजेठिया सहित और 6 लोगों पर चार्जशीट फाइल कर दी है। मम्मा, दिल्ली चले
राष्ट्र इस मजबूत कदम से आखिरकार नेता अमोक बेनकाब हुआ और साथ ही न जाने कितने बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने अमोक के साथ नरपत, सत्ता, वसानी और बाकी के लोगों को भी अरेस्ट किया। अमोक और सत्ता पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के चार्जेस लगाए गए हैं और इन सभी पर ठगी और धोखाधड़ी का भी केस बना है। हमारे आसपास ऐसे कई आपराधिक मंसूबों वाले लोग हैं जो इस ताक में रहते हैं कि वो कब और किस तरह किसी की मजबूरी का फायदा उठा सके। इसलिए बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करना एक बहुत बड़ी गलती में तब्दील हो सकता है। जो सिग्नेचर हम ये सोचकर करते हैं कि इसके बाद हमारी जिंदगी की तकलीफें दूर हो जाएंगी, लेकिन वहीं यह गलत सिग्नेचर आपकी जिंदगी को मुसीबतों से घेर भी सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।